बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह ठीक होंगे। अंदाज़ अपना अपना में आपका खुश आमदेद। आज मैं आपके लिए स्वीट डिश लेके आई हूँ, बहुत इजी और सस्ती रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। जो ब्रेड से बनती है, ब्रेड के गुलाब जामुन, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन चीज़ों की जरूरत है, ब्रेड चाहिए हमें 5 अदद, ये मैंने बड़े स्लाइस के लिए ब्रेड, आप छोटे भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। 1 कप मैंने चीनी ली है, 3 से 4 अदद मैंने सब्ज इलायची ली है, उनके मैंने ऐसे खोल के दाने निकाल लिए हैं। 1/2 लेमन जाएगा, 1 कप दूध, इसमें जितनी जरूरत पड़ेगी हम उतना डालेंगे। घी जाएगा, घी में हम फ्राई करेंगे गुलाब जामुन को, और पानी जाएगा 1.5 ग्लास। 1.5 ग्लास मैंने पानी लिया है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी ऐड करती हूँ। शीरा बनाएंगे सबसे पहले हम, थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ, इसमें टाइम लगता है तो इसको पहले रेडी कर लेते हैं। इलायची जाएगी, बिस्मिल्लाह, आप पीस के भी डाल सकते हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और लेमन भी ऐड करेंगे। लेमन हमने इसलिए ऐड करना है कि ये शीरा जो जमे ना, अगर आपके पास लेमन नहीं है, सिरका है, तो आप सिरका ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं बना सकते। अब इसको मिक्स करते हैं। सारी चीजें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, शीरा अच्छा रेडी हो। इसको बहुत ज्यादा इसको रेडी नहीं करेंगे कि तार बन जाए, इसे पतला ही बनाएंगे। ये इतनी देर रेडी होता है तो हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, इनकी कटिंग कर लेंगे, इसके किनारे कटिंग कर लेंगे, सबके एक टाइम में कटिंग कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ज़ाया नहीं करेंगे, इसे ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। आप छोटे साइज की भी ले सकते हैं, आप जिसको आपकी जितनी ज़रूरत है गुलाब जामुन बनाने की, आप उतने स्लाइस ले सकते हैं। ये बहुत इजी और जल्दी बनने वाली है रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है और सस्ती भी होती है। ब्रेड भी सबके घर होती है, चीनी भी होती है, हर चीज़ वो है जो हमारे घर में मौजूद है, कोई हमें बाहर से लेने जाने नहीं पड़ेगी। इसके स्लाइस करेंगे, अब इसे हम बोल में ऐड करेंगे, बड़ा बोल लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कि बाहर ना गिरे। आप चीनी अपने मुताबिक डाल सकते हैं अगर आपको जितनी पसंद है। इसको प्लेट को अच्छे से साफ करते हैं। अच्छे से इसे तोड़ लें, आपका दिल है तो ग्राइंडर कर लीजिएगा, अच्छे से इसे तोड़ लीजिएगा। ग्राइंडर हो जाए तो बेस्ट है, मेरी लाइट नहीं थी तो मैंने कहा चले मैं हाथ से कर लेती हूँ। ये देखिएगा, अब इसमें दूध हमने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं वैसा हम करेंगे, इसको बहुत पतला नहीं करेंगे, फिर इसके गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। ये अच्छे से हो गया, ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी, उसे गूंदती जाऊंगी, थोड़ी सी गलती आपके गुलाब जामुन खराब कर सकती है। बहुत ईजी है, झटपट बनने वाली है, स्वीट डिश है, खाने के बाद दिल करे मीठा तो ये इसको निकाल के और खा लीजिएगा, फ्रिज में ये रह सकते हैं 1-1.5 हफ्ता। ये देखिए मैंने चंद टेबल स्पून डाले हैं, उसके साथ ही इसके साथ कितना अच्छा बन गया। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करूँगी, बेहतरीन से इसकी डो बनानी है। अब मैं इसे अच्छे से गूंदूँगी, जैसे आटा गूंदते हैं, इसके अच्छे से डो बनाएंगे, छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे, बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे क्योंकि ये शीरे में जाके फूल जाते हैं तो फिर और एक्स्ट्रा साइज़ के हो जाएंगे, वो मज़े वाले नहीं लगेंगे, छोटे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, उसकी लुक भी अच्छी लगती है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाती है इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा आटा गूंदा गया इसका, ब्रेड का ऐसे ही आपने गूंदना है, फिर इसमें क्रैक नहीं आएंगे, अगर आपको इसको अच्छे से गूंदेंगे नहीं ना तो इसके अंदर क्रैक आएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसका अच्छे से पेड़ा प्यारा सा बना लेते हैं ऐसे,
चले अब इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं फ्राई पैन से घी ले लेती हूँ, हाथ पे लगा लेती हूँ ऐसे छोटे साइज के, प्यारे प्यारे से इसके हम गुलाब जामुन बनाएंगे। जो इसकी लाइन है वो इसकी ख़त्म करनी है, लाइन इसकी ना रहे, क्रैक इसमें कोई भी ना रहे। ये देखें छोटे साइज़ का इतना नाइसली बना है, कोई इसमें क्रैक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आपने भी ऐसे ही बनाने हैं, इनको बनाते जाएं सेम साइज़ के और प्लेट पे रखते जाएं। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, नाइसली बन रहे हैं। घी लगाना इसमें लाजमी है, देखिए कोई क्रैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे मैंने नाइसली साइज बनाने जाने हैं, एक साइज सेम साइज़ के, बड़े छोटे अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपकी चॉइस है कोई और शेप बनाने की, जो लंबे होते हैं वो आप बना सकते हैं, जो थोड़े नोक वाले होते हैं वो बना सकते हैं। मुझे तो बहुत लाइक है गुलाब जामुन, बेशक ब्रेड के हो जाएं, खोए वाले हो जाएं। ये देखें रेडी करते जाएं इनको, एक मरतबा ही हम ऐड करेंगे घी के अंदर, बार बार नहीं करेंगे क्योंकि इनके सारों का कलर सेम करना है। पहले मैं एक मरतबा बना लूँ, उसके बाद ही मैं इसे घी में ऐड करूँगी। शीरा हमारा रेडी हो गया, देखें ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, इसकी तार नहीं बनानी। ये रेडी हो गया, इसका मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं घी के नीचे चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ, थोड़ी सी ये गर्म हो जाए, ठंडा ना रहे। ठंडे में नहीं डालेंगे हम, गर्म में ऐड करेंगे। सारे गुलाब जामुन मैंने रेडी कर लिए, देखें सारे सेम साइज के बने हैं माशाल्लाह। इसको एक मरतबा ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, सबके सेम कलर होना चाहिए, किसी का कम ज़्यादा ना कलर हो। और इसको फ़ौरन हिलाना नहीं है, अगर हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। थोड़ा सा नीचे से कलर आएगा फिर मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत इजी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड के साथ, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर। देखिए अब इसकी थोड़ी थोड़ी साइज चेंज करती हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं। कलर इनका आप डार्क ब्राउन कर सकते हैं, लाइट ब्राउन कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे गुलाब जामुन हर तरह के अच्छे लगते हैं, मिठाई में मुझे सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है। ये सबसे मैंने आपको इजी रेसिपी बताई है कि जब दिल किया मीठा खाने को खाने के बाद, इससे आसान और सस्ती रेसिपी आपको कोई नहीं मिल सकती। हलवा भी बनाया तो उसके लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, इसके लिए इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ती। लाइट आंच पे से हम रेडी करेंगे। देखें इसने शीरे में जाके और ज्यादा फूल जाना, इनके साइज छोटे ही बेहतरीन लगेंगे। कच्चों को नहीं हिलाना है, इसके अंदर क्रैक आ जाएंगे, थोड़ा सा पक जाए फिर इनको हिलाना है आपने। देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े से हम इसको और डार्क करेंगे, थोड़ा नाइसली कलर आ जाएगा इनका। थोड़ा सा और करेंगे, ये अंदर से कच्चे नहीं होते, ये पकी होती है ब्रेड, बस इनको कलर देना हमारा मेन मकसद है। कलर इनका नाइस हो गया, चूल्हा मैं बंद करती हूँ। और ये बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो इसका घी हमने न्यू वाला लेना है, यूज़ वाला नहीं लेना कि कोई पकौड़े वगैरह निकाले हो, कोई चिप्स वगैरह निकली हो। इसके लिए बिल्कुल हमने फ्रेश ऑयल लेना या घी लेना है, प्लेट में निकालेंगे। अब इसे मैं ठंडे होने के लिए रख दूंगी, अभी मैं इसको उसके अंदर ऐड नहीं करूंगी शीरे के अंदर, क्योंकि ये अगर गर्म गर्म ऐड करूंगी ना तो ये खुल जाएंगे सारे, सारी आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। गुलाब जामुन बस देखे हमारे ठंडे हो गए हैं और शीरा भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, मैंने छोटे बर्तन में निकाल लिया। अब मैं इसको इसके अंदर डिप करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तब तक हम डिप करेंगे जब तक इसका शीरा इसके अंदर चले ना जाए। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो जल्दी निकाल लीजिएगा आप, ज़्यादा टाइम के लिए ना रखिएगा। इसको मैं डिप करके रखूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखें ब्रेड के गुलाब जामुन रेडी हैं, माशाल्लाह बहुत नाइस बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए मैंने कटिंग करके भी रखा है, गार्निश की है मैंने कोकोनट के साथ और बादाम के साथ कटिंग करके रखे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपका दिल है तो इसको शीरे के अंदर ही सर्व कर सकते हैं, वैसे हमें इतना मीठा पसंद नहीं है, हमने इसमें से निकाल के आपको दिखाए हैं।
प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके दसवां में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।